गुड मॉर्निंग है और आज है डेट 1 मई 2023। हम लोग रात में कहाँ से आए थे बता देता हूँ मैं आपको। तो ये हाईवे है और इस हाईवे पे हम लोग इस तरफ से आए थे और ऐसे घूम के हम लोग ऐसे जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे ये जो गोरखपुर है उसका स्टार्टिंग था। गोरखपुर के स्टार्टिंग में हमको एक होटल मिल गया जिसमें रेस्टोरेंट भी था और खाने का था। तो जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो अपन रुक जाते हैं। रात में आगे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ ब्लॉगिंग करने का। रीज़न बहुत था, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। मतलब दिन भर की गर्मी के बाद पूरे ड्रेंच हो गए थे। अच्छे से आए और यहाँ पे आके सो गए, खाना वाना खा लिया था। अभी जो है निकलने का वक्त हो गया है, सुबह के कुछ 7:30 बज रहा है और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे अपने घर की तरफ। आज का डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ 650-700 किलोमीटर्स के आसपास है, बट मैंने सोच लिया कि आज घर पे जाके ही आराम करूँगा और सो जाऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे रोड पर। ओके, तो अभी बज गया है 10 और टेम्परेचर ठीक है, 40 के आसपास चल रहा है। और ये है सरयू नदी आई थिंक, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं भगवान राम की नगरी अयोध्या। और लास्ट ईयर भी मैं आया था, लास्ट ईयर मैंने अयोध्या में दर्शन किए थे। ओ भाई साहब क्या मोमेंट था वो, और क्या मोमेंट है ये, मज़ा आ गया। लेकिन अल्टीमेट राइड है, 4 लेन पूरा हाईवे है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 160 या 140 के आसपास यहाँ से लखनऊ बचा हुआ है। प्रोबेबली यहाँ से 1-1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे। हाँ ठीक है, 2 घंटे लगने चाहिए यहाँ से। तो अब देखते हैं, अभी तुषार भाई बहुत ज़्यादा ही पीछे रह गए हैं और अपन तो बस 80 पे क्रूज़ किए जा रहे हैं। और आगे आपसे मिलते हैं रोड पर। एक शॉर्ट ब्रेक के लिए रुके थे बेल का शरबत पीने के लिए। बेल का शरबत यहाँ पर आपको मिलेगा। अयोध्या के बाद रुके हुए हैं और तकरीबन यहाँ से लखनऊ 100 किलोमीटर है, झांसी 400 किलोमीटर है और गुना जो है वो है 600 किलोमीटर। तो आज पहुँच जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है आराम से। लेकिन बेल का शरबत पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप जा रहे हैं कभी गर्मी में तो बेल का शरबत पीजिए, इट इज़ मोर फाइब्रस और पेट के लिए थोड़ा ठंडा भी रहता है, सबको अच्छा करता है। चलो मिलते हैं आपसे रोड पर। ओके, तो हम आ गए हैं लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत रहे हैं 12 कानपुर में आपका स्वागत है। और लखनऊ से यहाँ पहुँचते मुझे 1.5 घंटा लग गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था लखनऊ में। और ऊपर से वो पूरा घुमा के रिंग रोड से उतारा एयरपोर्ट पे, और तब से तुषार भाई से मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। उन्होंने बोला था कि कानपुर से पहले कहीं मिलेंगे, अब कानपुर आ गया है तो मैं सोच रहा हूँ एक बार रुक के उनको कॉल लगा लूँ। और ये यहाँ पर लेदर बहुत अच्छा मिलता है, मैंने ये सुना है कि कानपुर में जो है लेदर बहुत अच्छा मिलता है। लखनऊ नवाबों का शहर है तो ये लेदर का शहर है, किसी को अगर चमड़े के बेल्ट से पिटना हो तो वो यहाँ से बेल्ट लेके जाए और हरकत करके अपने माँ बाप से वो टेस्ट करवा रहे कि वाकई में यहाँ का लेदर अच्छा है कि नहीं। चलिए मैं एक बार आगे तुषार से बात करता हूँ, एक बार पूछ लूँ मेरा भाई तुषार कहीं खो गया है कुंभ के मेले में, ऐसा ना हो कि वो यहाँ से नेपाल पहुँच जाए। कानपुर आगमन पर आपका स्वागत है। तो भाई अब यहाँ से ज़रा बात करिए। ओके, तो फाइनली कानपुर से निकलने के बाद और झांसी से 180 किलोमीटर पहले तुषार भाई जो हमारे खो गए थे कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे वो वापस आ गए हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग करीबन 1.5-2 घंटे तक कोई कांटेक्ट ही नहीं था। फिर मैंने भाई को फ़ोन लगाया कानपुर में आके कि भाई कहाँ पर, तो मैंने बताया कि कानपुर में ये बहुत पहले घूम गए थे। एक्चुअली में लखनऊ जो है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग था हमारे लिए, तो लखनऊ में ना रिंग रोड से आ रहे हो ना तो दिक्कत हो ही जाएगी, मतलब ऐसा है। तो फाइनली ऐसा हुआ कि हमने फिर डिसाइड किया कि कानपुर के आगे कहीं मिलते हैं, खाना खाते हैं। तो मैंने ये होटल ढूँढा, होटल तोमर रेस्टोरेंट इसका नाम है। दाल मंगवाई है, दही मंगवाया है, सलाद भी है और थोड़ा सा प्याज भी मिला हुआ है, नींबू पानी मंगवा लिया है ताकि हम लोग रिहाइड्रेट हो सकें। अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं कूलर के सामने, जैकेट वैकेट पूरे सुखाने के लिए डाल दिया है और जूते भी उतार के बैठे हुए हैं, देख लो आप ये, तो जूते तक उतार के बैठे हुए हैं क्योंकि कल रात में हमने जो देखा हमारे पैरों की हालत उसको देख के हमारी रूह कप गई थी। तो आज हमने जूते वगैरह सब उतार के रखा हुआ है। अब जो है यहाँ पर खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे रोड पर।
तो हम लोग अभी झांसी पहुंच गए हैं, टाइम हो रहा है 7:45, टेम्परेचर हो रहा है 38-40 डिग्री सेल्सियस और सुबह से हम लोग चल के अभी 583 किलोमीटर्स आ चुके हैं। ये पूरा झांसी शहर, मैं तो आ गया था लेकिन फिर तुषार भाई का मैं वेट करता है, ऐसा ना हो कि वो कहीं रास्ता भटक जाएं, और इसीलिए हमने तय किया कि हम साथ साथ जाएंगे, क्योंकि आगे जाके तुषार भाई का रास्ता, जो मेरा रास्ता होता है जबलपुर का वो तुषार भाई पकड़ेंगे और जो उनका रास्ता होता है वो मैं पकड़ूंगा ऐसा है। हालांकि उनको जबलपुर वाला रास्ते से पहले ही मुड़ जाना है, मतलब तालभेड़ से, तो अभी तो गूगल मैप सेट किया हुआ है, ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने कहा नो चांस। तो अब हम आगे सी ऑफ करेंगे, तब व्लॉग बनाया जाएगा, और अभी लेते हैं आपसे विदा थोड़ी देर के लिए, छोटा सा ब्रेक, हैव अ किटकैट। और फाइनली एक बार फिर से हम दोनों, माना राइड के बाद जैसी हालत हो गई थी वैसी कुछ कुछ हालत हो गई है। अभी जा रहे हैं हम लोग, अब यहाँ से तालबेहड़ के रास्ता पकड़ के अशोक नगर निकल जाएंगे तुषार भाई, और हम चले आएंगे सीधे सीधे शिवपुरी की तरफ। और अब नेक्स्ट राइड का पता नहीं है, फिर कोई 4 साल बाद 5 साल बाद देखेंगे। बाकी सब बढ़िया, क्या तुषार भाई? अगले साल बोल रहा है भाई, देखते हैं, मई मई में आएगा फिर से चलो